शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों जो सिर्फ खुशियां लेके आता है, हर रात 10 बजे आपके घरों के दरवाजे पे मैं दस्तक देता हूं, अंदर चला आता हूं आपसे बिना पूछे और पूछने की जरूरत भी क्या। आप इतनी मोहब्बत जो मुझसे करते हैं, और जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो मेरा हक बनता है कि मैं आपके घरों में चला आऊं और आपके घरों में खुशियों के फूल बिखेर दूं, ऐसी बहारें हों जहां से हंसी निकलती हो, मुस्कुराहट हो, ठहाके हो और आप मेरे साथ मिलकर कहते रहे वाह। जहाँ कमाल की महफिल होती है, जिंदगी में कमाल तो होते ही रहते हैं और कमाल होने भी चाहिए। देखिए क्या होता है, आदमी की भाषा वक्त के साथ बदल जाती है। जैसा वक्त होता है वैसी भाषा होती है। हमारे जमाने में हमें कहावत सुनते थे कि माया तेरे तीन नाम, मंगता मंगतू मंगतू राम। आदमी जब कुछ नहीं था तो मंगता, थोड़ा कुछ हुआ तो मंगतू, और कुछ हो गया तो मंगतू राम जी। हमारी वक्त के साथ भाषा बदल जाती है। शादी के बाद भी ऐसा ही होता है। शादी के पहले साल कोई और भाषा होती है, दूसरे साल कोई और होती है, तीसरे साल कुछ और होती है, चौथे साल कुछ और होती है, पांचवें साल तो भाषा होती ही नहीं भाई। होता है बम बम बम। भाषा कैसे बदलती है? पहले साल शादी के पति पत्नी दोनों साथ जा रहे हैं और अचानक एक गड्ढा आ गया, तो पति पत्नी से ओ जानू उधर गड्ढा है प्लीज इधर चलो ना। दूसरे साल अरे यार उधर गड्ढा है इधर चलो ना। तीसरे साल दिखता नहीं है गड्ढा है उधर। चौथे साल अरे अंधी है क्या गड्ढा है इधर। पांचवे साल अरे मरने कहां जा रही है गड्ढा इधर है। तुरंत हम बदल जाते हैं ना। लेकिन हर चीज हर जगह ठीक हुए सही तो नहीं हो। एक साहब किसी को समझा रहे थे, हर वक्त मैं हूं बोलना ये अहंकार की निशानी है। मैं हूं मैं हूं मैं हूं क्या होता है? अहंकार है। नहीं साहब ऐसा अहंकार भी नहीं है, कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए बिना कुंडी के बाथरूम में कोई बैठा हो तो उसे तो कहना ही पड़ेगा मैं हूं। क्या करे भाई, हर वक्त हर चीज सही तो नहीं होती है। जैसे एक साहब ने कहा, उसके गए घर पे अपने भतीजे के, चाचा चाय पियो। नहीं नहीं चाय पीनी छोड़ दी मैंने। अरे छोड़ दी यार चाय पीनी छोड़ दी। अरे तेरी चाची यार कम पढ़ी लिखी औरत, पता नहीं कैसी चाय पिलाई, मेरी आंख फूट गई एक। किसी ने नहीं सुना था है? चाय पीने से आंख फूट गई, वो भी एक ही कैसे फूटी? दो फूटनी चाहिए अगर आदमी अंधा भी हो, मान लो नेत्रहीन हो जाए तो। चाय पीने से आंख फूट गई। हाँ यार चाय पीने पता नहीं कैसी औरत है। वो चाची निकल के आई, समझाओ जरा इन्हें, चाय बाय से आंख ना फूटी है, अगली बार चाय पिए तो कप में से चम्मच निकाल ले। जैसे कप में से चम्मच निकाल के अलग रखा जाता है, जिंदगी से भी गम निकाल दीजिए, दुख निकाल दीजिए, तनाव निकाल दीजिए। और अगर नहीं निकले तो रोज रात 10 बजे यहाँ चले आइए। आप चले आते हैं और कहिए मेरे साथ वाह भाई वाह। और हमारे साथ वो चार कवि जो आज की इस महफिल में चार चांद लगाएंगे, इस महफिल को अफरोज कर देंगे, और उनमें से एक है द्रोणाचार्य दुबे, जो इंदौर के पास महू और महू के पास कोदरिया गांव। जरा माइक लें, माइक जरा लीजिए द्रोणाचार्य। कितना बड़ा गांव है कोदरिया? सर कोदरिया की 10,000 की आबादी है। 10,000 की आबादी के कोदरिया से आज द्रोणाचार्य अपनी कविता सुनाने वाह भाई वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोदरिया से थोड़ा ही दूर महू, महू से तो 14-15 किलोमीटर ही है इंदौर, या कितना 30 किलोमीटर है शायद। और वहां इंदौर से हमारे बीच में आती है मुस्कान राज, जो हिंदी साहित्य में और इतिहास में एमए कर चुकी है और आज हमारे बीच में कविताएं पढ़ेंगी। और इनके पास अरे नटखट जी क्या जगह निकाली है बैठने की, मजा आ गया नटखट जी को आज। क्या चेहरे पर रंगत खिली है, देखो बुढ़ापे में। देखो यहाँ द्रोणाचार्य बैठे थे, हटा के निकाला, मैं बैठूंगा। सही में अपने अपना अपना जो नाम रखा है नटखट, बिल्कुल ठीक रखा है। देवेंद्र नटखट है जो झांसी से हमारे बीच में आते हैं। और उनके बाद जो मानवता की सेवा एक नर्स के तौर पे करती हैं, लेकिन अपने पाठकों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए गजलें कहती है, शेर कहती हैं, लखनऊ से हमारे बीच में अमेठी की संदल अफरोज।
आइए नटकर जी यहाँ तक आइए जोरदार तालियों के साथ। इतिहास से में आप मेरी वाकिफ नहीं हैं, लेकिन भूगोल आपके सामने है। वाह। और खंडर बता रहे हैं कि इमारत बुलंद थी। कि गंजेपन से हो गए बड़े मियाँ जी तंग, गंजेपन से हो गए बड़े मियाँ जी तंग, और सबकी मंडी भरी है अपनी खाली गंज। मंडी। कि गंजेपन से हो गए बड़े मियाँ जी तंग, और सबकी मंडी भरी है अपनी खाली गंज, और अपनी खाली गंज हवाई जैसे पट्टी, हवाई जैसे पट्टी, और जिसपे रखते फिसल जा सावन की बट्टी। जिसपे रखते फिसल जा सावन की बट्टी, और कहे नटखट कविराय हुई में दिल से अर्पण, कहे नटखट कविराय हुई में दिल से अर्पण, और कर लेती सिंगार बनाकर इसको दर्पण, कर लेती सिंगार बनाकर इसको दर्पण, और अपनी चिकनी चांद से बड़े मियाँ को लाभ। फायदे देखें साहब हमें कितने फायदे हैं, कि अपनी चिकनी चांद से बड़े मियाँ को लाभ, और 100 ग्राम पानी करे 1 मिनट में साफ। 100 ग्राम 1 मिनट में साफ, न चाहिए कैंची कंगा, न चाहिए कैंची कंगा, और होवे भारी बचत नाई से झूठा फंदा। और कहे नटखट कवि धोखा में सामीद खा गई, कहे नटखट कवि धोखा में सामीद खा गई, देखी अपनी चांद कह रही ईद आ गई। देखी अपनी चांद कह रही ईद आ गई, और अनेकों लाभ हैं कब तक करें बखान, और फायदे देखें साहब कि और अनेकों लाभ हैं कब तक करें बखान, भीड़ भड़क्का में तुरंत हो जाती पहचान, भीड़ भड़क्का में तुरंत हो जाती पहचान, हो जाती पहचान, कुंभ मेले में खो गए, कुंभ मेले में खो गए, तो मौड़ी मौड़ा गए गांठ के सिंगल हो गए, तो उनने डाली रपट पुलिस हरकत में आई, और पल भर में सब गंजों की लाइन लगवाई। पल भर में सब गंजों की लाइन लगवाई, एक साथ हजारों गंजे खड़े साहब, पल भर में सब गंजों की लाइन लगवाई, तो इनमें उनकी जान है वे है इनकी जान, इनमें इनकी जान है मेरी पत्नी की, कहता हूँ कि इनमें मेरी जान है वे है मेरी जान, और 1,500 के बीच में झट से गई पहचान। वाह वाह। 1,500 के बीच में झट से गई पहचान, 1,500 के बीच में झट से गई पहचान, और झट से गई पहचान, प्यार के रिश्ते सच्चे, और प्यार प्यार में गंजे पैदा हो गए बच्चे। इनमें उनकी जान है वे हैं इनकी जान, 1,500 के बीच में झट से गई पहचान, और झट से गई पहचान, प्यार के रिश्ते सच्चे, और प्यार प्यार में गंजे पैदा हो गए बच्चे, तो कहें नटखट कभी पड़ा चांद का ऐसा छापा, तो कहें पड़ोसी बे जा रहे गंजों के पापा। वाह 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 वाह। आपने गंजों की शान में जो पढ़ा है कमाल का है, और आप तो बस लगभग पूर्णता की ओर ही हैं। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जिनका गंजत्व अभी संपूर्ण नहीं हुआ है लेकिन प्रारंभ हो चुका है और संपूर्णता की ओर अग्रसर है, और हो सकता है अगली बार आए तब ये भी पूरा चांद खिला हुआ हो। द्रोणाचार्य तुम्हें जोरदार ताली का। वाह भाई वाह के सभी दर्शकों का मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय शैलेश जी सर ने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप जो अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, नवोदित कवियों को मंच दे रहे हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और मैं आपके समक्ष कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, शमशान घाट में कवि सम्मेलन। अरे तेरी की, विषय भी ऐसा लाए हो आपको, शमशान घाट में कवि सम्मेलन। अब कल्पना है, कवि की कल्पना है ये तो। कल्पना एक लड़की जा रही थी सड़क पे, तो उसके पूछा उसको कि तू रात को अकेली घर पे आई, तेरे को डर नहीं लग रहा है? मेरे घर के 3-4 लड़के तेरे पीछे थे, तो कुछ हुआ नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ, मेरे पीछे आया रात को, और आग कहने लगा अकेली घूम रही हो, डर नहीं लग रहा? तो मैं बोल पड़ी, डरती तो तब जब मैं जिंदा थी। जी
एक बार शमशान घाट में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, एक बार शमशान घाट में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। हम कवियों को इधर मत देखो यार, उधर से बुलाओ, उधर से बुलाओ। हम कवियों को खूब प्रलोभित कर कार्यक्रम प्रायोजित किया गया। 20 में से केवल 5 कवि ही कविता सुनाने आए। ये श्रोता तो बड़े समझदार थे, एक भी ना आए। ये श्रोता तो बड़े समझदार थे, एक भी ना आए। ये कवि तो शमशान घाट के चौकीदार को देखकर ही डर रहे थे, लालच में क्यों फंसे यह सोचकर ही मर रहे थे। शमशान घाट का सन्नाटा हम कवियों को बहुत डस रहा था, और वहां का चौकीदार कालू राम हमको देखकर खूब हंस रहा था। चौकीदार बोला पधारे, सभी कवियों का स्वागत क्रियाकर्म किया जाएगा। चौकीदार बोला पधारे, सभी कवियों का स्वागत क्रियाकर्म किया जाएगा। मुर्दे पे पड़ी शाल से सभी को सम्मान दिया जाएगा। मुर्दे पे पड़ी शाल से सभी को सम्मान दिया जाएगा। यह शब्द सुनकर मेरी ये बहना डर के मारे थर थर कांपने लगी। और अपने मुंह से जोर जोर से हनुमान चालीसा जापने लगी। अचानक तो कुत्ते मुंह ऊंचा करके रोने लगे। यह दृश्य देखकर हम कवियों के चेहरे ऊपर से नीचे तक पीले होने लगे। हुआ कवि सम्मेलन आरंभ। हुआ कवि सम्मेलन आरंभ। मेरी यह बहना अपना गीत गाने लगी, ये कवियों की टोली ताली बजाने लगी। अब कविता में टिश देखिए, अचानक आंधी आई, पेड़ की एक डाल मंच पे गिर पड़ी। कविता सुना रही है मेरी बहना डर से घिर गई। खूब पानी छिड़का गया। तब कहीं जाकर इसे होश आया, मगर बेचारी ने कविता नहीं सुनाने का मन बनाया। वीर रस के कवि यानी हम अपनी कविता सुनाने लगे। हमारे जोश को देखकर सारे कवि ताली बजाने लगे। मैं बोला, जागो जागो शमशान घाट के मुर्दों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो शमशान घाट के मुर्दों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, अपनी वीर रस की कविता तुम्हें सुनाने आया हूँ। फिर कविता में ट्विस्ट। अचानक हवा का एक गुबार शमशान घाट की राख के ढेर पर मंडराया। उस राख के गुबार को हमने अपने पास मंडराते पाया। कवि नटखट बोले, अरे मुर्दे को जगा रहे थे, देखो मुर्दा जागाया। यह दृश्य देखकर इन सभी कवियों का जी घबराया। सारे के सारे कवि डर के मारे फिर थर थर कांपने लगे और मैदान छोड़कर भागने लगे। मैंने बोला, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम मत डरो। भूत तो हम कवियों से डरते हैं, तुम तो जी भर के कविता करो। भूत तो हम कवियों से डरते हैं, जी भर के कविता करो। मैंने 8-10 कविताएं सुनाई, तब जाकर इन कवियों का डर भागा और मेरी कविता सुनकर लोग आ गए और रात भर शमशान घाट मेरी कविताओं से जागा। रात भर शमशान घाट मेरी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया द्रोणाचार्य जी, और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है द्रोणाचार्य जी के कोदरिया गांव आज बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा कि हमारे कोदरिया गांव का एक व्यक्ति जो वहां के एक कॉलेज में स्टोर कीपर है, वहां काम करते हैं, और वहां से निकल के उन्होंने सारे देश में कविता सुनाई और कैमरों के थ्रू
आप सारे देश में छा गए और ये जो प्यार आपने पाया है आज जब जब लौटेंगे जब आप कोदरिया तब वहां के स्टार बने हुए होंगे द्रोणाचार्य की, क्या बात। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस बात की। बाकी भूत भूत की बातें किया मत करो ज्यादा। अगली बार शमशान घाट में कवि सम्मेलन करने जाएं तो पेमेंट पहले ले लेना। बात की क्या गारंटी, पेमेंट मिले ना मिले और सीधा डिस्पैच ऑर्डर ही हो। खैर, ये हास्य उत्पन्न करने के लिए जीवन में से अतिशयोक्ति जो है वो बड़ी कमाल की होती है और आपने अतिशयोक्ति का सहारा लिया और उससे अद्भुत हास्य उत्पन्न किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और अब बारी है उन नवोदित स्वरों की। मुझे लगता है जब वो आएंगी तो छा जाएंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो उसमें से सबसे पहले मैं बुला रहा हूं संदल अफरोज को, जोरदार ताली। हाले दिल तुमको सुनाते हुए डर लगता है, हाले दिल तुमको सुनाते हुए डर लगता है, अपनी हर बात बताते हुए डर लगता है, अपनी हर बात बताते हुए डर लगता है। मैं हूँ कुटिया की मक्की, तुम हो महल के राजा। मक्की मतलब वहां रहने वाला। मैं हूँ कुटिया की मक्की, तुम हो महल के राजा, हम सफर तुमको बनाते हुए डर लगता है, हम सफर तुमको बनाते हुए डर लगता है। मोमू पत्थर हुआ मनाने पर, वाह वाह, मोमू पत्थर हुआ मनाने पर, तीर बैठा है अब निशाने पर, तीर बैठा है अब निशाने पर, खलबली मच खलबली मच गई हवाओं में, मच गई हवाओं में, आंधियों में दिया जलाने पर, आंधियों में दिया जलाने पर, रेजा रेजा बिखर गए खुद ही, जो तुले थे मुझे मिटाने पर। अरे वाह संदल, वाह 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 वाह, क्या बात है संदल। ये प्यार स्वीकार कर लीजिए आप। रेजा रेजा बिखर गए वही जो तुले थे मुझे मिटाने पर, क्या बात है संदल, क्या शेर कहा है आपने। और अब बारी है उस युवती को सुनने की जो इंदौर से हमारे बीच में आई है, लेकिन उसके आत्मविश्वास में भरपूर बढ़ोतरी हुई है आज, क्योंकि जब वो आई उसने अपनी कविताएं सुनाई और जिस तरह से उसकी कविताओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये सारे देश में इसकी कविताएं जानी चाहिए, तो निश्चित तौर पर आज हम कुछ ऐसा करें कि मुस्कान राज की कविताएं हर घर में गूंजे। मुस्कान राज, जोरदार ताली। शिमारो टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यह कार्यक्रम जिन उद्देश्यों को लेकर चलता है उन्हीं का अनुसरण करती हूँ। आओ समझाएं नए युग के समझदारों को, कैसे संभाल के रखना है इन बहारों को, बड़ी कमजोर है रिश्तों की डोर टूटी तो, बिखरते देर नहीं लगती परिवारों को। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। हम कुटुंब की परिपाटी से आते हैं। एक समय था जब 10x10 के कमरे में 15-16 लोगों का एक संपूर्ण परिवार रहा करता था। आज कमरे 10 है किंतु रहने वाले केवल 4 हैं। हम कहां से चले थे और कहां आ गए, एक गीत के माध्यम से बताती हूँ। सुना। घर छोटा था लेकिन उसमें ही संसार हमारा था, घर छोटा था लेकिन
उसमें ही संसार हमारा था, घर छोटा था लेकिन उसमें ही संसार हमारा था। मिलजुल कर रहते थे सारे एक परिवार हमारा था, मिलजुल कर रहते थे सारे एक परिवार हमारा था। घर छोटा था लेकिन उसमें ही संसार हमारा था। छोटी छोटी खुशियों को सब साथ मनाया करते थे, एक जगह खाना बनता था साथ में खाया करते थे। वट के वृक्ष के जैसे उनकी छाया सब पर होती थी, मात पिता के इर्द गिर्द सब ही मंडराया करते थे। ताकत थे अपने अपनों की हर दुख हमसे हारा था, ताकत थे अपने अपनों की हर दुख हमसे हारा था। घर छोटा था लेकिन उसमें ही संसार हमारा था। मुस्कान राज, कमाल हो गया आज। जाते जाते मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं, तीरंदाजी सिखाने के लिए कोई द्रोणाचार्य हो सकता है, कविता सिखाने के लिए गुरु नहीं होते, उसे तो मां शारदा आशीष देती है और देवेंद्र का आशीर्वाद होता है। तो जब कविता के लिए कोई द्रोणाचार्य नहीं होता लेकिन देवेंद्र का आशीर्वाद होता है, तो कविता और शायरी संदल की तरह चारों ओर फैल जाती है और हर चेहरे पे मुस्कान होती है। इसीलिए हम कहते हैं वाह भाई वाह, और कल मिलेंगे हम और कहेंगे वाह भाई वाह। आइए का प्यार, शायरी और कविता के लिए आप लोगों का ये लगाव, यकीन मानिए क्या बात है। आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं उस मुकाम का सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस शो को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी कि आज इस मुकाम पर हम आके खड़े हो गए। जिंदगी में जो चीज हजार लफ्ज नहीं कहते वो एक शेर कह देता है, एक किताब पूरी बात नहीं कह सकती वो एक दोहा कह देता है। सारी जिंदगी आप बोलने को बेकरार रहे नहीं कह पाते लेकिन एक कविता कह देती है, कविता की ताकत इतनी बड़ी होती है। लेकिन अब शायरी और कविता का शौक जरूरी तो नहीं है कि कुछ खास चुनिंदा किस्म के लोगों को, ये शौक तो सभी को हो सकता है। अब आप लिखे ना लिखे ये बात अलग है, टूटा फूटा भी लिखे तो शौक तो होता ही है। एक डॉक्टर साहब थे, चिकित्सक, अब उन्हें शायरी का भी शौक। अब डॉक्टर साहब अगर शायर हो जाएं और साथ में कविता करने लगे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, बड़ा कमाल का है। तो लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए बड़े कमाल के थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? पहला इंस्ट्रक्शन, दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें। बोलो बाबा, डॉक्टर साहब यही कहते थे मरीजों को जो आह आह करते, डॉक्टर साहब आह बोल वाह, आह नहीं चलेगी वाह बोल। डॉक्टर साहब दर्द, चुप रहे डॉक्टर साहब, यहां चुप। अरे सुनिए तो, हमारी सुनो, दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें। वाह मरीजों वाह। तो डॉक्टर साहब ने कहा दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें,
ये सिरप की बोतल हिला डुला के इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आगे चुप, मैं बोल रहा हूं। पर हम चुप, हम बोल रहे, बंद करो तुम्हारी जुबान और बोलो मोहब्बत की बोली। सुबह लाल वाली, शाम को नीली वाली गोली। और डॉक्टर साहब फिर आगे, और मरीज आगे, डॉक्टर साहब हमारी बात वापस कब आए हम? चुप, अरे वापस कब आना? चुप, हम बता रहे हैं, ये दिल मोहब्बत के लिए हमेशा रजामंद रहेगा। ये दिल मोहब्बत के लिए हमेशा रजामंद रहेगा। रविवार को अस्पताल बंद रहेगा। कुल मिला के सारे इंस्ट्रक्शन शायरी में। अब वो मरीज इश्क होकर होता तो ठीक भी हो जाता, ये कोई और मरीज था। अब हिंदुस्तान में मरीज किस कई किस्म के होते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें सवालों के सही जवाब देने नहीं आते, बोले आते भी हैं तो ऐसा घुमा फिरा के देंगे कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जैसे एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पूछ लिया, बताओ रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? तो खड़ा हुआ सर, रेडियो से हम आवाज़ सुनते हैं, अखबार हम पढ़ते हैं। दूसरा बोला रेडियो जो है वो मशीन से बनता है, अखबार जो है कागज़ से बनता है। तीसरा बोला अखबार में हम छापते हैं, रेडियो में हम बोलते हैं। चौथा बोला हम सबसे बड़ा फर्क बताते हैं सर, हम रेडियो में पराठे लपेट के नहीं ला सकते। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे मरीज होते हैं, उनके जवाब बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। जैसे किसी ने किसी से पूछा दुनिया का सबसे शरीफ आदमी कौन है? बोला सर सब दुनिया का सबसे शरीफ आदमी वो है जो सुबह शाम बेचारा दफ्तर जाता है, शाम को सीधा घर आता है, घर के सिवा कहीं नहीं जाता और सीधा अपनी अपनी पत्नी के पास जाके बैठता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, सो जाता है, वो सबसे शरीफ आदमी। दूसरा बोला वो जो पांच, बोले सर जो पांच छह दिन दफ्तर जाता है, रविवार के दिन जरूर जो है अपने पूजा स्थल पे जाता है, पूजा करता है, ईश्वर को याद करता है, वो सबसे शरीफ आदमी है। ये फिर खड़ा हो गया। आज के जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो है जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। और यहां तमाम वो शरीफ बैठे हुए हैं जिनकी मोबाइल में नंबर का पासवर्ड, पैटर्न का पासवर्ड, चेहरे का पासवर्ड, कोई खोल के देख ना ले के अंदर क्या क्या है, क्योंकि अगर ये खुल गया फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां वो होगा जो जरूर होना चाहिए, जिंदगी में होना चाहिए। कोई कविता और शायरी जो हमें देती है वो कोई नहीं देता, वो जो सुकून देती है वो कोई नहीं देता, वो जो हमें जीने का जज्बा देती है वो कोई नहीं देता। और वाह भाई वाह यही करता है, उन कवियों को आपके समक्ष लेके आता है जो अपनी कविताओं की वजह से अभी तक जाने नहीं गए हैं लेकिन सारे देश में जाने जाएंगे। वो तमाम लोग भी जो अपनी कविताओं की वजह से जाने गए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब नए लोगों को मैं ढूंढ के ले आता हूँ। और आज ऐसा ही हमने किया है, हम दो नए चेहरों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों नए चेहरे पहली बार टेलीविजन पे आ रहे हैं, और जब पहली बार आते हैं तो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। जो पहली बार आ रहे हैं वो अमित कुमार गुप्ता दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं। वाह, हमारे बीच में दिल्ली से अमित गुप्ता जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार ही जालना महाराष्ट्र की नूरी अजीज हमारे बीच में जो पहली बार आ रही है, और इन दोनों के साथ एक नाम जिसकी शिराओं में कविता है क्योंकि उनके पिता इस देश के बड़े संचालक हुआ करते थे एक जमाने में। मैंने बहुत वर्षों पहले रमेश गुप्ता चाहता जी के साथ कविताएं पढ़ी है, और बड़ी बात यह है कि वो उस वक्त जो है मैं संचालन कर रहा था और उन्होंने कविता पढ़ी थी। मैं आज से 30-35 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 35 बरस से भी ज्यादा हो गए होंगे, 30 बरस से भी ज्यादा। और रमेश गुप्ता चातक जो उज्जैन के, उनके बेटे सौरभ, उनको कविता विरासत में मिली है। सौरभ चातक हमारे बीच। तो चलिए प्रारंभ किया जाए, और प्रारंभ करने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ उसे जिसे कविता विरसे में मिली है, सौरभ गुप्ता चातक। आइए। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, और भाई साहब आपको भी प्रणाम करता हूं। मैं कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, झूठी सच्ची कविता है उसका आनंद लेना। कि मेरी कविता की पहली लाइन झूठी, दूसरी एकदम सच्ची है। अच्छा, अब आप बताना कविता कितनी अच्छी है। बिल्कुल झूठी बात, मैं कुंवारा हूं इसलिए हम अच्छे हैं, सच्ची बात मेरी एक पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। झूठी बात, पत्नी अगर मायके गई तो मैं लेने उसे जरूर जाऊंगा, सच्ची बात आफत अगर मुझसे दूर है तो मुझसे बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया। झूठी बात, मेरी पत्नी
अमृत तुल्य खाना बनाती है, ये मेरा भाग्य है। सच्ची बात, भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया सर। झूठी बात, मेरी पत्नी मेरी साली से बहुत अच्छी है। झूठी बात, मेरी पत्नी मेरी साली से बहुत अच्छी है। सच्ची बात, पहली लाइन झूठी लेकिन एकदम सच्ची है। बहुत बढ़िया सर। झूठी बात, मेरे सारे दोस्त बहुत बुद्धिमान है। सच्ची बात, मैं मेरे दोस्तों का जैसा नहीं, इस बात का इत्मीनान है। वाह वाह। झूठी बात, प्रेमिका के लिए कभी नहीं उठा प्रेम का खुमार है। सच्ची बात, झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार है। हाय हाय। झूठी बात, मेरी पड़ोसन को मैं नहीं चाहता, ना उसको मेरी चाहत है। मेरी पड़ोसन को मैं नहीं चाहता, ना उसको मेरी चाहत है। सच्ची बात, हम दोनों एक जैसे, इस बात की राहत है। बहुत बढ़िया। झूठी बात, मेरी पत्नी की सहेली मुझे नहीं जानती, ऐसा सबको बताती है। झूठी बात, मेरी पत्नी की सहेली मुझे नहीं जानती, ऐसा सबको बताती है। सच्ची बात, वो शर्मा है पर सरनेम गुप्ता और उपनाम चाटक लगाती है। वाह सौरभ, झूठ और सच जीवन में बड़ा कमाल के ये दो रूप है, लेकिन जिंदगी असल में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, बहुत सारे ग्रे एरियाज भी होते हैं, बहुत उथले रंग भी होते हैं। सब कुछ बिल्कुल गलत हो ऐसा नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल सही हो ऐसा भी नहीं होता। जीवन में सच बोलना बहुत आवश्यक है, लेकिन किसी ने कहा है कि यदि सच बोलने से किसी को पीड़ा पहुंचती है तो शायद हम न बोलें। उस वक्त लोग अर्ध सत्य का सहारा ले लेते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। लेकिन शादीशुदा जिंदगी की आदमी में जब पत्नी उनसे ये पूछ ले कि सब्जी कैसी बनी है, तब सत्य परेशान भी होता है और पराजित भी होता है। लेकिन जिंदगी में कुछ लोग परेशान नहीं होते, अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, जैसे अमित कुमार गुप्ता मॉडलिंग करते हैं लेकिन साथ में कविताएं भी करते हैं। और आइए, आज पहली बार टेलीविजन पे हमारे बीच में आ रहे हैं तो हमें अतिरिक्त स्नेह देते हैं अमित कुमार गुप्ता। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर आपको भी सादर नमस्कार। सर मेरी शादी के बाद जो बवाल हुआ वो भी एक होता है बेटा, सबके ही होता है। शादी कह दो बवाल कह दो एक ही बात है। नहीं सर, मेरा बवाल अलग है। अच्छा, मेरा बवाल हुआ एक सुपरस्टार अक्षय कुमार की वजह से। हैं जी? अच्छा, उसने क्या किया? उसने क्या किया वो बताता हूँ मैं। बताओ बताओ बताओ। अजीब सी दोस्तों एक बात मेरे साथ हो गई, जब मेरी शादी एक सर्वगुण संपन्न सुकन्या के साथ हो गई। पहले ही दिन उसने किया मुझे बैन, क्योंकि वो निकली अक्षय कुमार की फैन। अच्छा। कुछ समझाकर उसने मुझे सुलाया और सुबह तड़के 4 बजे उठाया। मुझे उठाकर बोली, हे प्रिय, मैंने तुम्हें अक्षय कुमार बनाने की ठानी है, इसलिए रोज एक्सरसाइज करने में क्या हानि है। ओहो। मेरा प्रेम केवल तभी तुम पाओगे जब तुम अमित कुमार से अक्षय कुमार बन जाओगे। क्या बात है, वाह, अमित कुमार से अक्षय कुमार बन जाओगे। वाह। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं आज ही कोर्ट जाता हूँ और अपना नाम अमित कुमार से अक्षय कुमार करवाता हूँ। ठीक। मगर वो बीवी थी, कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा, मुझे नाम नहीं काम चाहिए, हमारे घर के बाहर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, पार्क है, कहा उसके 10 चक्कर सुबह और शाम चाहिए। अच्छा। उस दिन से हजूर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और शाही पनीर की जगह आप इमेजिन नहीं करेंगे पालक और मेथी ही खाता हूँ। अरे ये हालत है सर। रिश्तेदार भी जब हमें खाने पर बुलाते, बीवी को तो मलाई कोफ्ता और मुझे हरे पत्ते ही खिलाते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब तो आलम यह है दोस्तों, सिर्फ घिया तोरी टिंडे ही खाता हूँ और जब भी आईना देखता हूँ खुद को गधा ही नजर आता हूँ। क्या बनने निकले थे। हमने बड़े प्रेम से बीबी को समझाया, कुंभकर्ण का सारा वृतांत सुनाया, किस तरह वो खाता था पीता था सोता था यह भी बतलाया। बीबी अत्याचार ना करो यह कह के मैं बहुत गिड़गिड़ाया, मगर बीबी कहाँ मानने वाली थी।
जब नहीं मानी तो हमने क्या किया, एक दिन फुल एंड फाइनल हमने अक्षय कुमार बनने का मन बनाया। अच्छा, मोहल्ले की चार पांच कन्या को हमने भी पटाया। ओहो, बहुत बढ़िया। यह देख बीवी को अत्यंत क्रोध आया, मुझे छोड़ बाहर काहे दिल लगाया। तब हमने बड़े प्रेम से बीवी को समझाया, हे प्रिय, जब से तुमने हमें अक्षय कुमार बनाने की ठानी है, कन्याओं की भी मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। वाह, यह सुन बीवी हो गई बड़ी उदास, बीवी ने तभी से छोड़ दी हमें अक्षय कुमार बनाने की आस, और बोली सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास, सिर्फ तुम ही हो मेरे लिए खास। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं अमित के पठन में वाचन में अभी वो रफत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आएगी। लेकिन मैं बड़ी खुशी है कि तुम में संभावना है, और आज नहीं तो कल तुम एक बड़ा नाम बनोगे, इसमें कोई शक नहीं है, अगर इसी तरह से परिश्रम करते रहे, मेहनत करते रहे। लेकिन ये बीवियाँ जो हीरो लोगों की फैन होती है ना, ये बहुत औरतों का ऐसे ही रहता है, आदमी बेचारा इधर उधर कहीं नहीं देखता, कहीं नहीं। एक आदमी ने अपनी वाइफ को कहा, तो जिन जिन का मतलब तेरे को लगे कि ये पांच लोग बहुत टॉप के हैं, उनके नाम लिख कागज पे। तुरंत लिखा उसने, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन। अब पतियों का तुम लिखो, तेरे बुआ की लड़की, पड़ोस वाली पिंकी, तेरी क्लासमेट। बेचारा सोचता ही नहीं है ना, घरेलू आदमी है, इतना दूर कहां जाएगा। अब तुम्हारी कविता से क्या होगा कि जितने शादी करने वाले लोग होंगे वो पहले फॉर्म भरवाएंगे बीबियों से कि लिखो किसके फैन हो। पता चला हमारा एक दोस्त, मैं जानता हूं, वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक बीबी इमरान हाशमी की फैन न निकले। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें केशव मुखर्जी का फैन चाहिए, ताकि शादी में बैलेंस बना रहे, जिंदगी में बैलेंस बना रहना चाहिए। अमित गुप्ता और सौरभ गुप्ता, अरे आप तो दोनों ही गुप्ता हो तुम, क्या बात है, वाह, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और अब आपके सामने एक ऐसा स्वर जिसे पहली बार हम टेलीविजन पर लेके आ रहे हैं, जालना महाराष्ट्र में एक कस्बा है, एक शहर है, और वहां से हमारे बीच में आती है नूरी अजीज। और जब कोई पहली बार आता है तो हम उसका स्वागत पुरजोर करते हैं, नूरी अजीज के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, शैलेश सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया, और आप सभी की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे से आप ये कविताएं सुन रहे हैं, शेर सुन रहे हैं। हाजिर खिदमत है चार मिसरे बतौर खास। अना पर बात आए तो इरादे बोड़ देते हैं। हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। अना पर बात आए तो इरादे इशाद सुना। वक्त बिगड़ा तो कई दोस्त पुराने आए,
वक्त बिगड़ा तो कई दोस्त पुराने आए, मेरे जख्मों पे नमक और लगाने आए। क्या बात है, नजर कर रही हूँ ये शेर। उसके आने की खबर लेके हवा जब आई, फूल खुद चल के मेरे घर को सजाने आए। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। यूं तो ऐसा चलन होता है कि फूलों से स्वागत किया जाता है, लेकिन शैलेश जी वो नाम है कि उनके लिए फूल खुद चल के उनके स्वागत के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये सोच के नाराज हुई हूँ उससे, काश एक बार तो वो मुझको मनाने आए। दिन में जो अमन की तकरीर किया करते थे, अमन शांति तकरीर भाषण जी जो आजकल मियां है जी, दिन में जो अमन की तकरीर किया करते थे, रात को शहर वही लोग जलाने आए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी थैंक्स। क्या बात है नूरी, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। संजीदा शेरों को नई पीढ़ी कितनी मोहब्बत दे सकती है, इसका उदाहरण ये स्टूडियो में खड़ी हुई जनता है। जिंदगी में हंसी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन ये जो संजीदगी है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जब नई पीढ़ी इतना प्यार देती है उन पर बड़ी खुशी होती है। एक साहब जो है वो बड़े जिसको कह रहे हैं कि इतना मैं ये कहूँ प्रभावित हो रहे थे बैठे हुए, और बड़ा अच्छा लग रहा था, मुस्कुरा रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे। जरा हम उनसे बात करना चाहेंगे, आप जरा माइक दें ना जी। क्या नाम है आपका? सर मैसेल सलीम खान। सलीम साहब कहाँ रहते हैं? सलीम साहब जानला महाराज, बाय मिस्टेक मैं इनका हस्बैंड हूँ। बाय मिस्टेक आप किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। थैंक यू, ये जो आपने आज जो किया है ना ये सदियों तक याद रखा जाएगा। सलीम मियां, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं ईश्वर की कृपा से या खुदा के फजल से या कोइंसिडेंटली बाय मिस्टेक में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो सच्चाई स्पीड में निकल गई, घर पे क्या हाल होता मेरा देख लो आप। गया, समझ सकता हूँ मैं। प्रेयर फॉर मी बस, मेरी सहानुभूति आपके साथ है सर। थैंक यू वेरी मच जी। मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानियों का दायरा। एक तो बीवी, ऊपर से शायरा, तो शेर सुनने पड़ते होंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है आप यहाँ तक आए, आप इनके साथ आए, आप इनको समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे बेहतर क्या हो सकता है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। आज के इस एपिसोड में सौरभ गुप्ता, अमित गुप्ता और नूरी अजीज, और उसमें से तीन में से दो लोग जो पहली बार टेलीविजन पे आए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि जिस देश में हम टैलेंट हंट के नाम पे चुनिंदा लोगों को कह के उनके गानों के ऑडिशंस कर करके बुलाते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं। आप ऐसे प्रोग्राम में देखता हूँ जिसमें ऑडिशंस में कई बार हंसी उड़ाते हुए भी हम देखते हैं, और मुझे लगता है बड़ा दर्द होता है उसको, क्योंकि आप खराब गा रहे हों, आप खराब नाच रहे हों, ये परिभाषाएँ बहुत अलग अलग हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की हिम्मत की दाद ज़रूर देनी चाहिए। मान लीजिए हम बेसुरे भी हैं, तो कम से कम हम उसे अकेले में कह सकते हैं कि भैया तू न गाए तो ठीक, या थोड़ी सी मेहनत कर, लेकिन सबके सामने उसे बाजार बना देना, ये मुझे थोड़ा सा खलता है।
इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम नई प्रतिभाओं को लाएं और उनके लिए रोज कहते रहें वाह भाई वाह।